नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। 4 मई यानी कि निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हम लखनऊ में मौजूद हैं। बात लखनऊ की करें तो अभी तक यहां बहुत स्लो वोटिंग चल रही है, तो चलिए आपको लखनऊ के कुछ वोटिंग बूथ पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर लखनऊ की जनता किसे चुन रही है। वो विकास के मुद्दों पर वोट कर रही है या फिर कोई स्पेसिफिक पार्टी चुन रही है। लखनऊ की जनता इस बार किसे वोट कर रही है, कोई स्पेसिफिक पार्टी है या फिर अपने कुछ मुद्दे और विकास के मुद्दे? नहीं, विकास के ही मुद्दे हैं, विकास के मुद्दों पर ही वोटिंग करेगी। विकास के मुद्दे को ही प्राथमिकता दी जाएगी और उसी पर प्राथमिकता देना भी चाहिए। उसी हिसाब से वोटिंग किया गया है और अगर जिसने विकास किया होगा उसको जरूर सफलता हासिल हो। वैसे मैंने बताया जैसे कि विकास जो जिसने पहले किसने कैसे काम कर रखा है, आगे उन्होंने अपने क्या वादे कर रखे हैं, उस हिसाब से देख के उस हिसाब से वोट किया था। विकास के मुद्दे। आंटी, आपने किसे वोट किया? नहीं, मैं तो अपने विकास के तौर पे कर रही हूँ, क्योंकि जो अच्छा काम है, जो उसका कार्य अच्छा चलेगा उसी को दिया जाएगा। विकास मुद्दों पे नाली, लाइट, रोड, ये सब अच्छा होना चाहिए, इसके लिए दी गई वोट है। यहाँ की जनता ने दिया है। क्या मुद्दे हैं इस बार विकास के? मुद्दे हैं पूरे लखनऊ में अनऑथराइज कब्जे, सड़कों पर कब्जे, पुल के नीचे कब्जे। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि इन कब्जों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। क्या लगता है आगे ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए, कोशिश तो करनी ही चाहिए, बिना कोशिश करे तो कुछ हो ही नहीं सकता है बेटा। सर, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? विकास की। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के? देखिए, नगर निगम में क्या आता है, रोड, सड़कें, नाली, साफ सफाई, बस यही। मैं इन सबको लेकर बिल्कुल वोटिंग के दौरान हर किसी में उत्साह देखने को मिल रहा था। कोई वोट देकर सेल्फी लेता हुआ नजर आया तो कोई अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए। वैसे बता दें, 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में 28.26% वोट पड़ चुके हैं। वहीं बात कुछ अन्य जिलों की करें तो वाराणसी में 32%, कुशीनगर में 47%, महाराजगंज में 50%, बलरामपुर में 47%, गोंडा में 51%, बहराइच में 44%, मुरादाबाद में 48%, अमरोहा में 50%, संबल में 47%, श्रावस्ती में 50%, सीतापुर में 44%, तो वहीं रायबरेली में 41% मतदान हो चुका है। लखनऊ के सभी इलाकों को हमने कवर किया, पर सबसे ज्यादा भीड़ जहां हमें देखने को मिली वो है पुराना लखनऊ। यहां पर सभी लोगों का कहना है कि इस बार सबने पार्टी विशेष ना चुनकर विकास को चुना है। खैर, परिणाम क्या होंगे वो तो हमें फाइनल 13 मई को ही देखने मिलेंगे। तब तक के लिए करते रहें इंतजार और देखते रहें बातें यूपी की।